हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं KDS 726 सोयाबीन की वैरायटी, जिसे फूले संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो KDS 726 जो सोयाबीन की वैरायटी है, इसका उत्पादन कितना होता है, इसका सीड्स कीमत रेट कितनी चल रही है, साथ ही मात्रा के ऊपर बात करेंगे कि आप एक एकड़ पर यदि बुआई कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करनी है और कितनी क्वांटिटी आपको सीड्स की एक एकड़ पर यूज़ करनी है, साथ ही अनुकूल समय के ऊपर बात करेंगे, दानों का वजन और आप कहां से इसे खरीद सकते हैं, पौधे की ऊंचाई कितनी होती है, कौन कौन सी बीमारी इस पौधे पर, इस वैरायटी पर नहीं आती हैं। तो इन सभी की जानकारी के लिए, डिटेल के लिए, फुल रिव्यू के लिए और आपको जो जानकारी शेयर करने वाले हैं, प्रैक्टिकली जानकारी ही शेयर करने वाले हैं, क्योंकि KDS 726 जो वैरायटी काफ़ी पॉपुलर के साथ साथ काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस वैरायटी का आप फुल वीडियो बनाइए और हम कहां से खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं KDS 726 फूले संगम सोयाबीन की वैरायटी को महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी महाराष्ट्र द्वारा 2016 में विकसित किया गया था। इसको आप महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों पर आप इसकी सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। महाराष्ट्र पर KDS 726 जो वैरायटी है काफ़ी बड़ी मात्रा पर बोई जाती है, लगाई जाती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं अनुकूल समय। तो KDS 726 जो वैरायटी है, इसको सोइंग करने का जो अनुकूल टाइम है 5 जून से लेकर आप 25 जून तक, और आप 1 जुलाई तक आप इसकी सोइंग कर सकते हैं, लेकिन 5 जून से 25 जून का जो समय है, टाइमिंग है, काफ़ी परफेक्ट है। प्रति एकड़ बीज दर, यदि आप एक एकड़ पर सोयाबीन KDS 726 वैरायटी का चुनाव करते हैं तो आपको लगभग 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको बुआई करनी चाहिए। अन्य वैरायटी की तुलना पर जहां 40-50 किलोग्राम आप बुआई करते हैं, फूले संगम को मात्र 20 से 25 किलोग्राम ही एकड़ पर आपको बुआई करनी चाहिए। इसका फुटाव काफ़ी अच्छा होता है, टेलरिंग की संख्या अधिक देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव के कारण जो पौधा है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव लेता है। डिस्टेंस हमको कितना रखना चाहिए, तो पौधे से पौधे यानी प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है 6 इंच पर आप बुआई कर सकते हैं, और कतार से कतार की दूरी आप 18 इंच पर बुआई करेंगे तो इसका पौधे का जो फैलाव है, फुटाव है, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। पौधे की ऊंचाई 3 फीट तक जाती है और फलियों की संख्या लगभग 200 से 250 फलियों की संख्या लगती है एक पौधे पर। दानों का वजन अन्य वैरायटी की तुलना पर इसके जो दाने का वजन है थोड़ा सा बोल्ड होते हैं, थोड़े से वजनदार होते हैं, और इसके पत्ता, पौधा और दाने अन्य वैरायटी की तुलना पर जो साइज थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए मिलता है, और इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है पौधा और दानों का साइज से। अन्य वैरायटी की तुलना पर जैसे JS 95-60-20-34 है, तो इनकी तुलना पर पौधे का फैलाव और फुटाव अच्छा होता है, अधिक होता है, और दाने भी बड़े होते हैं, बोल्ड होते हैं और शाइनुमा होते हैं। और वहीं सहनशील की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, तो इस वैरायटी पर एलो मोज़ेक वायरस नहीं आता है, कहीं कहीं पर स्टेम फ्लाई का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो स्टेम फ्लाई की रोकथाम करने के लिए आप क्लोरपाइरीफॉस का छिड़काव कर सकते हैं। यदि क्लोरपाइरीफॉस नहीं मिल पा रही है तो आप बायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड या फिर एमामेक्टिन बेंजोएट का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन की। आप KDS 726 वैरायटी को लगाते हैं तो कितना उत्पादन आप निकाल सकते हैं, इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल सकते हैं। वहीं सोयल की बात करें, मिट्टी की बात करें, तो काली मिट्टी, काली दोमट, मध्यम हल्की और लगभग लगभग सभी प्रकार की सोयल पर pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास हो, काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। और वहीं लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें, तो इस वैरायटी को तैयार होने पर, पकने पर 105 से 110 दिन के आसपास का टाइम लग जाता है। जर्मिनेशन प्रतिशत जो सीड्स का है 98% है, और फूलों का रंग वैगनी होता है, और इस वैरायटी पर फूल 50 से 55 दिनों पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। KDS 726 फूले संगम का जो उत्पादन है अन्य वैरायटी की तुलना पर काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। यदि आप इस वैरायटी
वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो बुवाई कर सकते हैं। इस वैरायटी की कीमत जानने के लिए या फिर सीड्स खरीदने के लिए आप इन नंबरों पर भी चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएंगे, डिस्प्ले पर भी नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे, तो आप कॉन्टैक्ट करके कीमतें ही पता कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको बुआई भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने एमपी के लिए रिकमेंडेड तो नहीं किया है, लेकिन हम एमपी के रहने वाले हैं तो गर्मियों के दिनों पर हमने इस वैरायटी को लगाकर ट्रायल लिया था तो काफ़ी अच्छा फुटाव देखने के लिए मिला था, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला था। और हम आपको पर्सनल जानकारी शेयर करना चाहते हैं, केडिया 726 फूल संगम वैरायटी को आप वेड विधि से वेड बनाकर यदि आप लगाते हैं तो 20 किलोग्राम आपको सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है और उत्पादन और भी बढ़ जाएगा। 18 से 20 क्विंटल आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। तो आप वेड बनाकर वेड पर एक वेड पर दो लाइन आप बुआई कर सकते हैं, उससे और भी बड़ी मात्रा पर उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। केडीएस 726 फूल संगम सोयाबीन की वैरायटी, इसके दाने का जो रंग है अन्य वैरायटी की तुलना पर, जैसे जीएस 95-60 जीएस 20-34 की तुलना पर, इसके दाने का रंग येलो लाइट यानी अट्रैक्टिव पीला टाइप का रहता है और काफ़ी अट्रैक्टिव रंग देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि मंडियों पर अच्छा भाव और हमको अच्छी कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। इस वैरायटी को हमने पर्सनल गर्मियों के दिनों पर लगाकर देखा है। गर्मियों के दिनों पर यह वैरायटी 115 से 120 दिन पकने में लग जाता है, लेकिन जून जुलाई पर इसकी बुआई करते हैं तो मात्र 105 से 110 दिन पर हार्वेस्टिंग के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। तो इस वैरायटी को भी हमारे किसान भाई बुआई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और वैरायटी की अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार नई नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।